हेलो एवरीवन, मैं हूँ हर्षिता। मैं कैड सेंटर डिज़ाइन स्टूडियो पुणे से बात कर रही हूँ। और अभी तक के हमारे वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अलग अलग सॉफ्टवेयर जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग या बिल्डिंग डिज़ाइनिंग में हमें यूजफुल हो सकता है एज अ सिविल इंजीनियर प्रोफाइल और आर्किटेक्चर। बट इसके अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी प्रोजेक्ट पर अगर हम वर्क कर रहे हैं दोस्तों, तो तब तक वो प्रोजेक्ट रन नहीं हो सकता है जब तक हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट ना, और वो सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है बैंक्स। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो विदाउट बैंक के लोन सैंक्शन के वर्क नहीं करता है, तो उसके लिए हमें बैंक के पास से अप्रूवल लेना होता है। इस अप्रूवल के लिए बैंक हमें नंबर ऑफ डेट्स पूछती है कि आपका प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ। तो ये सारा काम हम सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ईजीली कर सकते हैं। इसके अंदर हम मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे कि MSP, प्राइमा वगैरह। तो प्राइमा वगैरह की बात फिर हम कभी कर लेंगे, पर आज मैं आपको MSP के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। MSP के अंदर हम कौन सी डेट पे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, कितने दिन में हमारा फर्स्ट फ्लोर खत्म हो जाएगा, सेकंड फ्लोर होने में कितना टाइम लगेगा, ये सारे डेट्स हम उसके अंदर से निकाल सकते हैं। मैन हमारा रिसोर्सेज और मटेरियल को, मशीन को मैनेज करते हुए, तो ये सारा मैनेजमेंट का प्रोसेस हमें MSP के अंदर बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। MSP का मेन वर्क होता है टोटल ड्यूरेशन और बजट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि बैंक से अप्रूवल लेने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो और जितना कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग कर चुके हैं, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग कर चुके हैं, तो एक स्पैन ऑफ टाइम के बाद में आपको प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफाइल अगर आपको चाहिए अपने करियर के लिए, तो MSP विल बी ऑलवेज द राइट चॉइस टू स्टार्ट योर करियर इन मैनेजमेंट प्रोफाइल। तो आप इंडिपेंडेंटली एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह भी वर्क कर सकते हैं। आई होप ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा आपके करियर चॉइस में भी। सो और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सेंटर्स को ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू सो मच।